वेलकम मितेश, मितेश भाई वेलकम। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल ट्विटर फॉलोअर्स, बेस्ट बेस्ट विशेस टू ऑल ट्विटर फॉलोअर्स। गुड टू सी यू मितेश भाई। सो आई होप एवरीवन नोज मितेश भाई इज वन ऑफ द आवर फेवरेट ऑप्शन ट्रेडर्स, वेरी वेल नोन ऑप्शन ट्रेडर्स। एंड We have with us Alok and Shonku Mukherjee. I work as Edu Coach in Reliance, in Paytm Money. With me, our derivatives head Alok Chaturvedi and Peter, who is again my colleague. So today we are here with FNO Pe Charcha with Mitesh Patel. Mitesh ji. Yeah. So, how is monsoon treating now in Ahmedabad? I am from Baroda. Monsoon is okay here. Oh, great, great, great. No rain at present now. Acha. So great. So, how did you start your trading journey? If you look at your trading journey, and which year did you start? Like. देखो ये बातें है ना, बहुत मेरे दो इंटरव्यू में भी शेयर कर सकता हूँ, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये मेरे जर्नी के बारे में, मैंने 2005 में चालू किया था कैश मार्केट से, 2007 में मैंने डेरिवेटिव में ज्वाइन किया था, उसके बाद से मैं ओनली डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी तक लास्ट एक साल से मैंने चालू किया इन्वेस्टमेंट 2020 से, आफ्टर मार्केट क्रैश। उसके पहले मैंने इन्वेस्टमेंट थोड़ा किया था, कम किया था। ट्रेडर्स इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एंड न्यू कमर्स, द वन इज हाउ मच कैपिटल डिड यू स्टार्ट एंड द सेकेंड इज हाउ लॉन्ग एज अ ट्रेडर Does one need to spend time on a strategy before giving up or a change? Okay, as a beginner, one has to start with low capital. Okay. Because a beginner does not know about market. बराबर. Beginner ने कभी भी cycle नहीं देखा है, ना ही up cycle देखा है, ना down cycle देखा है, ना consolidation देखा है. परफेक्ट। हाँ, जब भी बिगिनर ट्रेडिंग करता है, मान लो कि आज के डेट में अगर कोई 2020 मार्च के बाद आया है, अप्रैल से या मई से, तो उसने सिर्फ बुल मार्केट देखा है, बराबर है, वन साइडेड। हाँ, वो वन साइड ही देखा है उसने, जो बाय करता रहेगा तो उसके लगेगा कि मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, लेकिन जब भी फॉल आएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि मार्केट में दूसरा साइड भी है। अभी बुल मार्केट के बाद अभी लास्ट 2 महीने से बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है, वो उसके लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है कि मार्केट में एवरी टाइम मूव नहीं होता है, वो उसके लिए अच्छा है। ये पीरियड चल रहा है अभी लास्ट 2 महीने से, अभी यहाँ से या तो फिर अपर जर्नी चालू करेगा, नीचे का जर्नी चालू करेगा, उसके लिए नेक्स्ट लर्निंग फेज होगा। मे भी हम बोल सकते हैं 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कभी नेक्स्ट ट्रेंडिंग मूव आएगा। वो बिगिनर के लिए देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग लो कैपिटल से करो। अगर आप मास्टर हो गए तीनों फेज में, नीचे का, ऊपर का एंड कंसोलिडेशन का, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कैसा रहा वो चेक करो। अगर मोर देन 60% 70% है तो आप कैपिटल से आगे जा सकते हो, बड़े कैपिटल से। उसके बाद अगर उसमें आपको सक्सेस मिलता है, उसमें भी अगर देखो 70% आपने विनिंग किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्टर बन गए। अगर 70% विनिंग टाइम पे अगर आप 3 या 4 पॉइंट लेते हो और लूजिंग टाइम पे आप 10 पॉइंट देते हो, तो मतलब जो वो साथ में अगर आप 4 पॉइंट लेते हो तो 28% विन करोगे, और 10 पॉइंट देते हो तो 3 में आप 30 पॉइंट्स दे दोगे, मतलब आप न्यूट्रल ही रहने वाले हो। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बराबर। तो आपका विनिंग पोजीशन लूजिंग पोजीशन से बड़ा होना चाहिए, तभी आप जाके प्रोफेशनल बन पाओगे ट्रेडिंग में। दिस इज अ मिसकंसेप्शन विद मेनी ऑफ द ट्रेडर्स, दे फील दैट यू नो इफ यू हैव अ विनिंग पोजीशन, सो इफ योर नंबर ऑफ ट्रेड्स आर प्रॉफिटेबल, that means it's a good strategy. It is not so. It is really that you have a winning position,
and losing position, check them with your risk reward ratio. That's what you're saying, right? अगर समझ लो कि आप if you are trading in 10 stock, in one, in two stock you are getting more than 100 points. I mean you can say 20% of more. And in your 8 trades you are losing only 1% in each trade. Then also you are going as a winner in two trades overall. Yes. You are taking more than 20% more. Right. So it is the risk involved in your trade that will decide about your trading. How you are master or not. Sometimes I am winning only in 2 stock or 3 stock out of 10. But my that 2-3 stocks giving me a very, very big return. In losing trade, I am losing only 0.5% of my capital or maximum 1% of my capital. Total capital, not a deploy capital in trade, total capital. If I have 10 lakh capital, then my maximum loss should be in a particular trade, not greater than 10,000. Got it. And if I have to win, then in one trade, I will capture at least 50,000 from that trade. That should be my trade. So you're saying, if I have to like summarize, Itesh bhai, what you're saying, you're saying your trade generally, which you look at, you look at a profitability of 5% and a loss of 1%. So if it comes down by 1%, you generally suggest that a beginner should exit that trade and try to look at it at 5% at least, you know, take the upswing or target. Yes. Great. This is amazing. So, just for information, so Shankar, while you continue the discussion, I'll put a lot of Twitter questions also. Yes, so I'll keep asking on a slower side so that whatever who has already following Mitesh bhai, he can also address those people also, right? Absolutely. Yeah. So Mitesh bhai, just one question coming from Angad Singh. He was asking, why don't people treat trading as a business? Abhi dekho, isme ट्रेडिंग में कैसा है कि लोग कुछ लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, पॉइंट, और जो मोर देन 95% मैं तो बोलता हूँ सिर्फ या तो इंटरेस्ट के लिए करते हैं या फिर अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं. एज ए बिजनेस को देखने वाले बहुत ही कम लोग है, फुल टाइम ट्रेडिंग करने वाले लोग बहुत कम है, कि मतलब जिनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ ट्रेडिंग ही है, ऐसे लोग बहुत कम है. अगर उनको सिर्फ एज ए बिजनेस देखना है ना, तो अभी मान लो कि कोई भी बिजनेस का एग्जांपल ले लो, समझ लो कि कोई रेस्टोरेंट का हम बिजनेस करते हैं, बराबर, तो उसमें एटलीस्ट हम कितना उसमें अगर चलो रेंट पे लिया उसका मंथली रेंट अगर 1 लाख दे रहे, अगर अच्छे एरिया में लिया आपने, तभी आपका चलने वाला है. आउटसाइड में लेके जाने वाले हो तो ऐसा नहीं चलने वाला है, ये फैक्ट है. तो उसका रेंट दे रहे हो, मतलब उसका एक्सपेंस देखो कितना हो रहा है, और उसमें से आप इनकम रिवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट कितना कर रहे हो. अब सब कुछ मिला के अगर पकड़ लोगे तो साल में अगर आपने समझ लो कि 1 करोड़ लगाए है रेस्टोरेंट के पीछे, बिजनेस के पीछे, तो कोई एक्सपेक्ट करता है कि मेरा मुझे 20 लाख का प्रॉफिट हो, 15 लाख का प्रॉफिट हो एक साल में, कोई ऐसे एक्सपेक्ट करता है, या 25 लाख का मैक्सिमम, तो उसका रिटर्न ओनली होता है 25%. ट्रेडिंग को भी आपको ऐसे ही देखना चाहिए कि मुझे भी साल में अगर 25% बनाना है, 30% बनाए, 40% बनाए, लेकिन यहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं एक ही महीने में 50% रिटर्न जनरेट कर लूँ, एक साल में 100% बना लूँ, 200 बना लूँ, बन सकता है इसमें, लेकिन आपके पास स्किल अगर रहेगा ना तो आप 100 के आप 1000% भी बना सकते हो ट्रेडिंग से, बनाना है तो ये, क्योंकि इसमें आपको स्किल की जरूरत है इसमें, और रोज आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, कोई भी स्टॉक में मिलता है, 10% बढ़ता है. अगर आपने सभी स्टॉक पकड़ लिए 10% ऊपर, तो आपका 1000% भी बन सकता है, 10000% भी बन सकता है, लेकिन ऐसा सबके हाथ में नहीं आता ना. तो एवरेज आपको क्या टारगेट करना चाहिए, 25% 30% करो एज ए बिजनेस की तरह देखो ट्रेडिंग को. इसमें कैसे देख सकते हो आप, रोज अगर आप स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, अगर रेस्टोरेंट वाला रोज उसका रेसिपी चेंज करेगा, जो भी आता है एक को पसंद आएगा, दूसरे को नहीं पसंद आएगा, वो तो बोल रहा है कि यार इसमें तो बार बार चेंज होता है, इसमें मजा नहीं आएगा, आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करेगा किसी को.
अगर ट्रेडिंग में आप समझ लो कि एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो कि ऐसा पीरियड हो सकता है कि वो स्ट्रेटेजी 2 महीना ना भी चले, बाकी के साल में 10 महीना चलेगी वो, मतलब प्रोबेबिलिटी इसका स्ट्रेटेजी का 70% भी सक्सेस रेट है स्ट्रेटेजी का, तो उस पर लगे रहो, बार बार उसको चेंज मत कर दो, चेंज मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आपने ये महीना एक महीना दूसरी स्ट्रेटेजी से ट्रेड किया वो आपको फेल गई, आपने दूसरे महीने में चेंज किया दूसरी स्ट्रेटेजी लेके आए, हो सकता है कि वो महीना वो स्ट्रेटेजी ना चले वो भी फेल हो जाए, सेम साइकिल अगर रिपीट होगा तो आप सोचोगे कि ट्रेडिंग से पैसा बन ही नहीं रहा है। लेकिन अगर देखो आज की डेट अभी 2 महीने से क्या चल रहा है मार्केट में, कंसोलिडेशन चल रहा है, अगर कोई बंदा सेफ है दोनों नॉन डायरेक्शनल प्ले कर रहा है तो उसके लिए 2 महीना बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो वो उसको तो सक्सेस मिल गया, उसमें उसको एक साल में कमाना है वो 2 महीने में कमा के बैठ जाएगा वो बंदा। अगर कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन फिर डायरेक्शनल ट्रेड करता है उसके लिए 2 महीने इतने अच्छे नहीं चल रहे अभी से इंडेक्स में, तो वो सोचेगा कि अरे मेरे तो इसमें पैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे, चलो मैं अभी नॉन डायरेक्शनल में घुसता हूँ। ये अभी नॉन डायरेक्शनल में जाएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट या नीचे पे मुंह आ जाएगा, तो उसका उधर भी पैसा बनने का मिस हो जाएगा। तो अपना जो है स्ट्रेटेजी उस पर ही लगे रहो ट्रेडिंग के लिए, एक महीने के बाद नहीं तो 2 महीने के बाद आएगा, आपको सक्सेस मिलता जाएगा उसमें। मैं मार्केट में प्ले करता हूँ सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी पे, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। कभी मेरा देखो एज मैं वर्सेटाइल ट्रेडर हूँ, मैं नॉन डायरेक्शनल भी खेल सकता हूँ और डायरेक्शनल भी खेल सकता हूँ, तो मेरे साथ अपने आप को कंपेयर मत करना कभी भी, क्योंकि मेरा मैंने मार्केट में 15 साल लगाए और मार्केट को पैसा दे के मैं सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि लोगों के पास 2 दिन का जाके ट्रेनिंग लेके मैं सीख गया हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने मार्केट को 13 साल दिए, 13 साल में मैंने पैसे भी दिए हैं मार्केट को, तब जाके मुझे समझ में आया कि कौन से टाइम पे क्या खेलना चाहिए। और मैं ये कंसोलिडेशन को मैंने जब कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ ना तो 1 महीना मुझे नहीं पता चला कि कंसोलिडेशन में जा रहा है, लेकिन लास्ट 1 मंथ से मुझे पता चल रहा है कि कंसोलिडेशन में है, और अभी भी ये सकता है, हो सकता है 1 महीना और लेगा ये कंसोलिडेशन में एज पर माई एक्सपीरियंस। तो मैं अभी ऐसे नॉन डायरेक्शनल खेल रहा हूँ, लेकिन जब भी आएगा ट्रेंडिंग हो तो मेरा डायरेक्शनल पे चला जाएगा। ये सब आपको कब समझ में आएगा, जब आपने मार्केट में एटलीस्ट 3 साइकिल देख चुके हैं ना, तब नए ट्रेडर्स को समझ आएगा। ये एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको तो शायद समझ में आ जाएगा जल्दी, लेकिन नए लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो आप नए लोगों को मैं बोलूंगा कि आप मार्केट में टाइम दो फुल पैसा लगाने के पहले, और एक ही स्ट्रेटेजी पे लगे रहो, तभी जा पे आपका पैसा बनेगा मार्केट से, और उसको आप एज ए बिजनेस बोल सकते हो। अभी देखो मैं 4% का ही टारगेट रखता हूँ, लेकिन मेरे में स्किल है तो मैं 4, 10, 15 भी बना सकता हूँ, 20 भी बना सकता हूँ। लेकिन मार्केट में अगर आप 4% भी अगर रखते हो टारगेट या 3% भी रखते हो, तो भी आपका साल का मोर देन 40% रिटर्न जनरेट होता है 3% से भी, वो एक बिजनेस ही हो गए ना। अगर आप 10 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहे हुए तो आपको साल का 40% मिलेगा तो 4 लाख रुपीज हो गया। कौन सा बिजनेस आपको 10 लाख के कैपिटल पे 4 लाख रिटर्न जनरेट करके देता है? लेकिन यहाँ पे लोगों को सिर्फ यहाँ पे विद इन 1 month में 50% रिटर्न चाहिए, 100% रिटर्न चाहिए। और लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होगा, आपका मिल जाएगा, 100% भी मिलेगा, 200% भी मिलेगा, लेकिन आदत लग जाएगी ना, एवरी डे तो ट्रेंडिंग मूव नहीं आते है ना, कभी उनका पैसा धीरे धीरे चला जाएगा। हाँ, अगर वो भी डिसिप्लिन में बैठ के करेगा ऑप्शन बायर डिसिप्लिन में पूरा पैसा डाल के नहीं, तो वो भी पैसा सेम ऐसा बना सकता है, लेकिन उसको सेलर से ज्यादा ऑप्शन बायर की स्किल रहती है सेलर से ज्यादा, क्योंकि उसको डायरेक्शन कैच करना है राइट टाइम पे और एग्जिट लेना है वो भी राइट टाइम पे, वो ओनली स्किल बंदा कर सकता है, स्किल ट्रेडर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो मितेश भाई, व्हाट इज योर प्राइमरीली व्हाट इज योर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ डू यू सिलेक्ट अ स्टॉक एंड ट्रेड ऑन इट? स्टॉक सिलेक्शन देखो, आज ही मेरे मतलब जो दो लोग जो मेरे नॉन पर्सन है उन लोगों ने थ्रेड बनाया ट्विटर पे कि मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ। अभी देखो स्टॉक सिलेक्शन में मैं मोस्टली एफ एंड स्टॉक प्ले करता हूँ, उसमें 150 से लेकर 200 स्टॉक है एवरेज। ओके, रोज तो ऐसा नहीं रहेगा ना कि रोज सभी स्टॉक 5% मूव कर दे और सभी स्टॉक 5% नीचे जा रहे, ऐसा तो नहीं रहता उसमें। हार्डली 5 से लेकर 7 स्टॉक मूव करते हैं और 5 से लेकर 7 स्टॉक नीचे की तरफ रहते हैं। तो हमको सिर्फ वही स्टॉक में ट्रेड करना है और किसी में भी ट्रेड नहीं करना है। जो स्टॉक मूव करते हैं, मतलब आपके पास एफ एंड ओ का लिस्ट है तो उसमें देख लो कि कौन से मूव कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। अब जिसमें मूव कर रहे हैं उसमें आप अपना
सेटअप के हिसाब से ट्रेड लो उसमें. अगर आप रेंज ब्रेकआउट देखते हो, अगर दिन में अगर बॉक्स बन रहा है फिर बाद में नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, जहां पे ब्रेक देता है वो साइड पे ट्रेड कर लो. रिसेंट एग्जांपल मैं कल का बोलूंगा तो सन फार्मा का ट्रेड देख लोगे, पूरा दिन एक ही रेंज में घुमा फिर अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया, उसने वो चलता ही गया वॉल्यूम के साथ. सेम ऐसा केस परसों हिंडाल्को में था, थर्सडे को टाटा स्टील में था, क्योंकि वो मोमेंटम वाले स्टॉक थे. बाकी के स्टॉक देखोगे ना तो हार्डली दिन में 1% भी मूव नहीं करते, वो उधर के उधर ही रहते हैं. अगर डेली सभी स्टॉक 5% ऊपर नीचे रहेगा तो अपना निफ्टी भी ऐसे ही मूव करेगा 5%, वो पॉसिबल ही नहीं है इंडेक्स में. तो जो दिन में जो स्टॉक आपको ट्रेंडिंग मूव देते हैं ना उसमें ही ट्रेड करो, क्योंकि ऑपरेटर मोस्टली उसमें ही एक्टिव रहते हैं. अगर सभी स्टॉक में ऑपरेटर एक्टिव रहेंगे तो निफ्टी भी ऐसे ही हिलेगा अपना, रोज 2-3% डेली का मूवमेंट हो जाएगा. Very true. So your style is mostly trending stocks and trending from FNO and from FNO. Right. So, Mitesh bhai, especially where there is a moment. Yeah. Yes, where there is a moment. Yeah. Mostly moment. देखो, first hour में moment आ जाता है mostly. Okay. हाँ, वो moment catch करने के लिए आपको pre-study करना पड़ेगा. Pre-study में अगर आपको सिर्फ level identify करने पड़ेंगे कि if from particular range if it is going up then I have to buy, if it is breaking this range then I have to go for sell. आपको ये सब level watch करने पड़ेंगे और आपको सिर्फ 7 मिनट मिलता है जब market का नया दिन अपना चालू होता है. 9-7 को आपको प्री ओपन के रेट ऑलमोस्ट मिल जाते हैं. अगर प्री ओपन में भी आप सभी FNO स्टॉक के ओपनिंग कहाँ पे वो देख लोगे, कौन सा स्टॉक बड़ी मूवमेंट ओपनिंग में दिखा रहा है, आप उसको वॉचलिस्ट में डाल दो और उसके हिसाब से इसकी रेंज देख लो कि ये कौन सी रेंज में अगर इसके ऊपर रहता है मुझे बाय करना या सेल करना है. वो आपको लास्ट 10 दिन के मूव देख लो आप अपने स्टॉक के क्या हुआ है, जो भी स्टॉक बड़ा मूव दिखा रहा है प्री ओपनिंग में लास्ट 10 दिन के उसके डेटा दिख लो कि ये कौन सी रेंज में चल रहा है. अगर इसकी रेंज के आज ऊपर नीचे होता है तो वहां पे आप ट्रेड ले लो अपने हिसाब से. ग्रेट. उसमें से अगर आप देखो ये जो हाई मोमेंट वाले स्टॉक रहते हैं ना, उसमें 10 में से अगर आप 7 में भी फेल हो गए छोटा छोटा स्टॉप लॉस में, वो 3 आपको बड़े पैसे देके जाएंगे, क्योंकि उसमें ट्रेंडिंग मूव रहता है फुल. नितेश भाई, अभी आपने ये बताया कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आप ट्रेड कर रहे हैं, आप ब्रेकआउट में आपको ट्रेड आ गया, ये तो फ्यूचर ले सकता है, नहीं तो हम लोग ऑप्शन में लेना है कोई पोजीशन, लाइक अभी टाटा स्टील में ब्रेकआउट आ गया कई दिन पहले, तो मैं पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूँ क्या? और सेल करने के बाद मैं भी डॉक्टर रेड्डी जैसा हो सकता है मेरा सिचुएशन, मैं तो छोटा ट्रेडर हूँ, तो मैं उसको कैसा प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? अगर देखो जो बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा है वो फुल कैपिटल एक ही स्टॉक में नहीं लगाता, जिसके पास समझ लो कि 25 लाख कैपिटल है, उसने समझ लो कि टाटा स्टील का 1400 का या फिर वो ब्रेकआउट आया था 1300 के ऊपर अभी रिसेंट में, तो उसने 1300 का पुट सेल कर दिया है, तो बड़ा कैपिटल पूरा 25 लाख उसमें नहीं डाल देगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हेज नहीं करेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर वो एक या दो लॉट सेल करेगा अगर टाटा स्टील दूसरे दिन 10% भी गिर गया तो उसका ज्यादा लॉस नहीं होगा, एक लॉट से सेल करेगा. अगर पूरा 25 का 25 वो लगा देगा तो उसको हेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो मान लो कि गैप डाउन हो गया 10%, तो एटलीस्ट 1300 का पुट सेल कर रहा है तो 1250 का पुट बाय कर लो, आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा उसमें, अगर फुल कैपिटल उसमें लगा रहे हो तो. अगर नहीं लगा रहे हो, एक लॉट सेल करोगे बाकी का पैसा आप दूसरे स्टॉक में डालोगे तो वो इक्विवेलेंट टू पोर्टफोलियो हो जाएगा, दूसरे स्टॉक आपको बचा लेंगे, ये लॉस नहीं देगा वो बड़े ट्रेडर के लिए. अगर छोटे ट्रेडर्स के लिए करना ही है, उसके पास 1 लाख कैपिटल है 2 लाख है, तो मैं तो बोलता हूँ हेज के साथ जाओगे. अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो नीचे का बाय कर लो, क्योंकि आपके पास मैनेज करने के लिए पैसा नहीं है, तो आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा वो केस में. राइट, तो हम लोग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, नहीं तो हेज भी कर सकते हैं. राइट, गैप अप गैप डाउन में स्टॉप लॉस काम ही नहीं करेगा. So when do you prefer, I mean this was one of the questions which we have seen, when do you prefer naked and when do you prefer hedged position in options?
देखो आज तक मैंने कभी भी हेज नहीं किया मेरी पोजीशन को. ओके. क्योंकि मैं जब भी पोजीशन लेता हूँ तो ब्रेकआउट आता है तभी लेता हूँ मैं, या ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट या नीचे की तरफ का ब्रेकआउट. कंसोलिडेशन पीरियड में मैं ना ही स्ट्रेंगल सेल करता हूँ ना स्ट्रेडल सेल करता हूँ. स्टॉक में मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता मोस्टली ऑप्शन सेल करना जब कंसोलिडेशन में रहता हो, क्योंकि कब कब ट्रेंडिंग मूव आ जाए और वो मुझे नहीं पता है उसमें. और जब भी आता है ना तो आपको सिर्फ उसमें लॉस ही बुक करना रहता है, क्योंकि ट्रेंडिंग मूव में स्टॉक मोर देन 10% मूव कर ही देता है, 5%, 7%, 10%. तो कंसोलिडेशन पीरियड में आप बना लोगे पैसा. कंसोलिडेशन में 2 महीने का कंसोलिडेशन रहता है, 1 महीने का. लेकिन जितना आप 10-10 पॉइंट बनाओगे 2 महीने में, क्योंकि 2 महीने का अगर 10-10 वाला स्ट्रैंगल बेचा आपने 20 पॉइंट बना लिया ऐसे, लेकिन एक मूव आ जाएगा तो वो सीधा आपका 20-30 पॉइंट तो लेके चला जाने वाला है. तो लास्ट में तो आपके पास कुछ नहीं आने वाला है. तो बेटर है कि ब्रेक होने तो एक बार रेंज तब जाके डिसाइड करो. अभी जिसने भी देखो टाटा स्टील कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है तो पुट बेचेगा, अगर कॉल बेचेगा स्ट्रैंगल बेचेगा तो उसको कॉल में लॉस ही हो रहा है. वो कितना कैपिटल लगा के पुट सेव करेगा, फिर ऊपर का कॉल दूर कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं आने वाला है. लेकिन अगर डिसाइड हो गया रेंज तो पुट बेचते जाओ ना, वन साइड तो आपको मिल रहा है ना. पुट बेचते हो या आई मीन कॉल में भी अगर बेचा है तो एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस देख के निकल जाना चाहिए. वो कौन निकल पाएगा जिसको डायरेक्शन समझ में आता है ना, वो बंदा इमीडिएटली निकल जाएगा. जिसको डायरेक्शन समझ में नहीं आता है ना वो ऐसे ही खड़ा रहेगा कि चलो अभी नहीं नीचे गिर जाएगा तो मेरा रेट आ जाएगा. And more than 90% जो नए ट्रेडर्स हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है, दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन. ये देखो ये डायरेक्शन नए ट्रेडर्स है उनके लिए कोई ये देखो एकदम इजी नहीं आइडेंटिफाई करना. इसलिए मैंने बोला जो ट्रेडर्स को सभी साइकिल देखने पड़ेंगे. एक बार उसने अप देखी है, देख लिया, डाउन देख लिया, फिर कंटिन्यूस कंसोलिडेशन वाला देखा, फिर दूसरी बार जब वो एक्सपीरियंस करेगा ना एक बार देखने के बाद डाउन मूव में, वो फिर बाद में पैसा बना सकता है कि नहीं बना सकता है. अगर डाउन में वो बना सकता है तो तब उसको समझ में आएगा कि उसने डाउन साइड का डायरेक्शन कैच कर लिया. जैसे अपसाइड का आ गया तभी वो समझेगा कि चलो मैंने अपसाइड का, तो फिर जब वो सेल करेगा उसको लगेगा ना कि अपसाइड का डायरेक्शन चालू हो गया, तो वो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेगा वो इमीडिएटली कॉल से एग्जिट हो जाएगा अगर सेल है उसका. अगर कॉल बाय है तो वो खड़ा रहेगा, वो ऑप्शन बाय करके बैठा है तो वो उसका पूरा मूव कैच करने के लिए. तो मैं अगर आपका बात समराइज करूं तो इट इज समथिंग लाइक यू प्रेफर बाइंग or you prefer trading on naked options without hedging because you trade on direction. Yes. In stocks. And you recommend not to write stock options for initially, at least for beginners. Because you never know when you get yes. Stock option mein isliye recommend nahi kar raha hu ki usme index se zyada bada move aata hai stock option mein. So you are saying that in a way, for writing also, if someone wants to is very keen on writing, so maybe he can look at writing the index weekly options. Yes, index weekly or monthly any option. Any of the options, because usme utna volatility nahi aata hai. Haan. Swings nahi aata hai, to bach jayega, utna nahi jayega uska. And he should learn how to check out direction and based on that, at least put a stop loss, even if he has put in some kind of strategy in place. Yes. Right. So basically, Shankha, moral of the discussion is you should not try everything at one go. Absolutely. So start with index. If you want to trade in stocks also, index also, then it will be a big pain for you. So start with index, which Mr. Zaya have told ki if you don't know, forget about ki aap sell ya buy nahi kar sakte stocks mein. Don't even touch a stock. If you're learning, start with index. You have always a better opportunity over there. अगर कोई बंदा लर्न कर रहा है तो वो कैश में कर सकता है अगर उसके पास छोटा कैपिटल है तो. Exactly. तो छोटे कैपिटल में फ्यूचर एंड ऑप्शन में उसका रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होगा, वो उसका कैपिटल ब्लो अप होने के चांस ज्यादा रहते हैं. एक और चीज आपने बहुत अच्छा बोला, लाइक व्हाट यू राइटफुली सेड एंड आई रियली लव्ड इट, इट्स ऑल दैट यू नो ए ट्रेडर कांट से दैट ही हैज बिकम ए हीरो बाय ट्रेडिंग इन जस्ट अ बुल साइकिल और बेयर साइकिल. He should undergo all the 3 different phases like consolidation cycle, bull cycle, bear cycle. Only then he will get his experience right. Yes. ये तीन साइकिल देखने के बाद
ये तीन साइकिल देखने के बाद उसको नेक्स्ट तीन साइकिल में प्रॉफिटेबल भी होना है, तब जाके वो बोल पाएगा कि चलो मैं कर सकता हूँ ट्रेडिंग एज ए बिजनेस, कि उसको प्रीफर कर सकता हूँ मैं अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो। ये देखो मैंने 2007 से लेके 2019 में ये साइकिल मोस्टली तीन से लेके चार बार मैंने फेस की है। पहले दो तीन बार में फेल रहा होगा, लेकिन लास्ट में दो साइकिल में मैं कोई भी डायरेक्शन कैच कर पा रहा था, तब जाके मैंने डिसीजन लिया कि मैं मेरा हाई पेड जॉब छोड़ के मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। राइट right. और मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग भी मैंने 38 की एज में चालू किया। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में 23, 24, 25 के मैं चालू कर दिया और मैं बन गया, ऐसा नहीं है। 38 के हाँ 38 की एज पे, अच्छा 38 के फुल तीन चार साइकिल देखने के बाद डिसीजन लिया मैंने। राइट मितेश जी, मैं कई लोगों से बात करता हूँ तो बोलता है कि मुझे ट्रेडर बनना है। मैं पूछता हूँ कि क्यों ट्रेडर बनना है, वो बोलता है कि मेरा सैलरी कम है। बट मैं मुझे ये पता है कि मितेश भाई आप इतना अच्छा एक जॉब में थे, आप इंजीनियर है, 6 digit का सैलरी भी लेते थे, फिर भी आपने एक ट्रेडर बनने के लिए सोचा, आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। तो उसके लिए क्या टर्निंग पॉइंट था सर, कुछ रीजन था? आपने दूसरा क्यों कोई बिजनेस क्यों नहीं सोचा, लाइक आपने स्टार्टअप बनाता हूँ, ऐसा कुछ आपने सोचा था? देखो मैं एब्रोड जॉब करता था, मेरे करियर में मैंने 4 साल एब्रोड में निकाले, तो मैंने सेविंग तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था 38 की एज तक। फिर बाद में जब एब्रोड से, मतलब ये सबके साथ होता है, जब भी कोई बंदा एब्रोड से इंडिया रिटर्न आता है ना, तो उसको जॉब नया मिलता है तो सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को उनको पता रहता है कि इसकी गरज है जॉब लेने की, तो हम उसको कम सैलरी भी ऑफर करेंगे ना तो वो आ जाएगा। ये सबके साथ होता है। अभी मैं जब एब्रोड जॉब कर रहा था, मैं मंथली 3 lakh सैलरी ले रहा था वहाँ पे एब्रोड में। ओके और जब इंडिया में रिटर्न आया तो मुझे सिर्फ 70,000 ऑफर किया गया, तो क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, तो जॉब नहीं, इमिडिएटली नया जॉब भी नहीं मिलता है आप, क्योंकि आप इंडिया में आते हो, तो मैंने वो इमिडिएटली एक्सेप्ट कर लिया और 2 साल निकाले, तो मैं वहाँ पे 1 lakh तक पहुँचा फिर बाद में। लेकिन वो टाइम पे कि आपको ऐसा कुछ होता है कि चलो यार इतने साल के निकाले और आपको अभी, मतलब अभी भी कम सैलरी में करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो या तो कुछ खुद का करना पड़ेगा या कुछ नया करना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो सिर्फ 2 options थे कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ तो केमिकल इंडस्ट्री में स्टार्टअप का सोचूं, वो भी मैंने सोचा था, लेकिन एज मेरा हो गया था 38, अगर मैं स्टार्टअप करता हूँ तो एटलीस्ट मुझे 5 साल तो एस्टेब्लिश करने में लगेंगे उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे लाने के लिए। स्टार्टअप करने के बाद भी अगर उसमें भी वो 100% सक्सेस की भी कोई गारंटी नहीं है आज की कंपटीशन में, मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि मैं उसमें आगे बढ़ सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में फिर वो ट्रेडिंग का भी आया था कि ये ट्रेडिंग में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैंने चालू जॉब में मैं ट्रेडिंग करके देखा ऑप्शन सेल करके, क्योंकि वही टाइम पे 2016 में अपने NSE ने वीकली ऑप्शन लॉन्च किया था। बराबर। पहले क्या मंथली ऑप्शन था, मंथली ऑप्शन में इतना टाइम दिखे इतना जल्दी नहीं होता था, पैसे जल्दी आते नहीं थे अपने अकाउंट में। वीकली में क्या इमीडिएटली आपका 3 दिन में डिसीजन हो जाता है वीकली में, और अगर आप डायरेक्शन कैच कर सकते हो तो वीकली में जो भी आपको इजीली 1% बनाना है तो वीकली में आप बना सकते हो। तो वो टाइम पे मैंने रनिंग जॉब में 3 महीना ट्रेडिंग करके देखा और उसमें मैं सक्सेस हुआ, तो मैंने इमीडिएटली डिसीजन ले लिया कि मैं इसमें करूंगा। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरा सैलरी भी कम था वो टाइम पे एज कम्पेयर टू माई कलेक्स, जो मतलब मेरे से बहुत आगे निकल चुके थे, मतलब यहाँ पे रहके, क्योंकि उनका जॉब कंटिन्यूस चल रहा था। सो मितेश सर, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच वी हैड रिसीव्ड फ्रॉम द ऑडियंस दैट हाउ कैन वी स्टार्ट सेलिंग ऑप्शंस विद 2 to 5 lakhs ऑफ कैपिटल गिवन द न्यू मार्जिन रूल्स। देखो सर, 2 to 5 lakhs विथ न्यू मार्जिन रूल, उसमें पहले क्या लीवरेज मिलता था, अभी लीवरेज नहीं मिल रहा है। लीवरेज में आप ट्रेडिंग कर रहे हो मीन्स कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो आप, क्योंकि लीवरेज ब्रोकर का लीवरेज अगर आप यूज करते थे पहले तो पोजीशन लेके नहीं जाते थे आप, वो प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया वो। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करना ऑप्शन सेलिंग में मीन्स कि आपको डायरेक्शन ही फाइंड करना है, तभी आप अगर ऑप्शन बेचोगे तो पैसा मिलेगा, क्योंकि वो कम कब होगा जब बेचा है, जब डायरेक्शन आपकी फेवर में जाएगा। तो बेटर है अगर आप डायरेक्शन ही फाइंड कर रहे हो तो सेल करने के बजाय ऑप्शन बाय करो ना, क्योंकि पॉइंट्स तो वही मिलने वाले हैं आपको, जो सेलिंग में जाने वाला है डीके होके मिलने वाला है, वो आपको बाइंग साइड में अगर आपकी आपने पुट बेचा है
वो कब मिलेगा जब बैंक निफ्टी या निफ्टी अगर जो भी अंडरलाइंग बेचा है आपने उसका स्प्रेड वो ऊपर जाएगा तभी वो उसमें प्राइस कम होने वाला है। तो बेटर है कि इंट्राडे अगर आप खेल रहे हैं वो प्रीफर करूंगा कि ऑप्शन सेल मत करो, ऑप्शन बाय करो विथ स्टॉप लॉस। तो अगर आप परफेक्ट डायरेक्शन ही फाइंड कर रहे हो इंट्राडे में तो ऑप्शन बाय करके पैसा बना लो क्योंकि आप डायरेक्शन। अगर आपको पोजिशनल खेलना है तो फिर टाइम टाइम वैल्यू जो रहता है उसमें वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। आप रेंज डिसाइड कर लो पर्टिकुलर इंडेक्स का, पर्टिकुलर स्टॉक का। मैं प्रीफर करूंगा स्टॉक के बदले इंडेक्स क्योंकि स्टॉक में कभी भी 10% मूव आ सकता है। हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक में मूव आता है 10%। इंडेक्स में हार्डली 10% अभी मैंने मेरे करियर में एक अपर सर्किट देखा है और अभी दो बार लोअर सर्किट देखा है। और टाइम मेरा इतना अच्छा था कि अपर सर्किट के टाइम पे मैंने ऑप्शन सेल नहीं किए थे क्योंकि वो टाइम पे मैं करता नहीं था। अभी जब डाउन सर्किट आया था मार्च में तब मेरे कोई भी मेरा पुट साइड में कोई भी पोजीशन नहीं था क्योंकि मैंने डायरेक्शन फाइंड कर लिया था इसलिए मैं बच गया था वो टाइम पे। इंडेक्स में हार्ड लोग बोलते हैं कि मैंने इंडेक्स में भी बेचा रोज रोज थोड़ी इंडेक्स में 10% का मूव आता है नीचे बैठ जाएगा आपका पैसा चला जाएगा ऐसा तो नहीं होता है ना। प्रोबेबिलिटी क्या रहता है इंडेक्स में कोई भी इवेंट्स रहता है देखो मेजर अपने इवेंट्स क्या रहते हैं एक इलेक्शन का इवेंट है इलेक्शन रिजल्ट का इवेंट रहता है उसमें बड़ा मूव आ सकता है। फिर दूसरा अगर मान लो कि कल पीएम को कुछ हो गया तब भी जाकर मार्केट क्रैश हो जाएगा दूसरी बार 2000 का नोट बंद कर दिया नरेंद्र मोदी ने तो भी हो सकता है नीचे की साइड पे डिमोनिटाइजेशन फिर से कर दिया मतलब कुछ भी चला लॉकडाउन लगा दिया 2 महीने का ना एक थर्ड वेव आ गया तब भी जाके मार्केट में भी क्रैश हो सकता है वो टाइम पे भी ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आपको ऐसा डर लगता है तो हेज करके रखो पोजीशन लेकिन हेज करने में क्या रहेगा सबका अलग अलग रहता है ट्रेडिंग स्टाइल। मैं हेज करता हूँ तो मेरी प्रॉफिट जो मुझे मिलने वाला है उसमें हेजिंग में मेरा थोड़ा प्रॉफिट चला जाएगा। सेटिस्फेक्शन अगर आपको है कम प्रॉफिट से तो हेज करके चलो जिसके मन में डर रहता है कि मेरा कैपिटल चला जाएगा। अभी डर किसको रहेगा कि जिसने अपना पूरा सेविंग डाल दिया है ट्रेडिंग में उसको ज्यादा डर रहता है। मैं मेरा देखो आज के डेट में जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अगर वो जीरो भी हो गया ना तो तब भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने साइड में पैसे दूसरी जगह पे भी इन्वेस्ट करके रखे वहां से भी मैं फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरा नॉलेज नहीं जाने वाला मेरा सिर्फ पैसा जाएगा। अगर कुछ भी हो गया तो मैं फिर से लोगों को ट्रेनिंग देके भी मैं पैसा कर सकता हूँ वो जो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरे पास नॉलेज है मैं नॉलेज देके भी पैसा वापस कमा सकता हूँ। ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। पूरा का पूरा पैसा ट्रेडिंग में मत डालो आपको फियर नहीं रहेगा कभी भी। अगर आपका जिंदगी का सेविंग 50 लाख है तो पूरा 50 लाख लेके मत डालो सिर्फ 10 लाख से ट्रेडिंग करो और उससे आगे बढ़ो। तो ये छोटे अभी छोटे कैपिटल के लिए बोला इन लोगों ने 2 से 5 लाख का तो उसके लिए उन लोगों के लिए सिर्फ मैं इंडेक्स का ही प्रीफर करूंगा आइदर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल है तो निफ्टी में करो लेकिन निफ्टी में एक प्रॉब्लम है कि उसमें एडजस्टमेंट करना वेरी वेरी डिफिकल्ट है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपके पास मल्टीपल स्ट्राइक अवेलेबल है निफ्टी में सिर्फ 50 पॉइंट के गैप में है और उसमें भी टाइम वैल्यू बहुत कम रहता है निफ्टी में। अगर आप ऑब्जर्व करोगे बैंक निफ्टी से कंपेयर करोगे ना तो निफ्टी में टाइम वैल्यू कम रहता है। अगर वो निफ्टी में पास में आता है तो आपको या तो फिर स्ट्रेडल बनाना पड़ेगा या इन्वर्टेड स्ट्रेंगल करना पड़ेगा उतना डिफिकल्ट हो जाता है निफ्टी में हैंडल करना। जब निफ्टी में मूव आता है तो आपको लॉस ही बुक करना पड़ता है निफ्टी में। निफ्टी में प्रोबेबिलिटी बड़े मूव की बहुत ही कम है लेकिन आज के डेट में तो उसमें भी अभी बड़े मूव आ रहे हैं क्योंकि उसमें वीकली एक्सपायरी आ गया है। तो इसलिए मैं निफ्टी कभी नहीं कर रहा सिर्फ ओनली मैं बैंक निफ्टी कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में मुझे एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारे स्ट्राइक मिल जाते हैं। और मैंने अभी 2-3 वीक पहले ही एक मैंने ऑप्शन का मेरे दो स्टूडेंट ने शेयर किया था उसमें मैंने पूरा क्लियर लिखा है कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करता हूँ और वो रेजिस्टेंस के ऊपर कॉल सेल करूंगा स्टार्टिंग में और सपोर्ट के नीचे पुट सेल करूंगा। जब भी अगर ब्रेक होता है तो मेरे पास मार्जिन रहता है एडजस्टमेंट करने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए। सेम ये नए लोग ये भी अप्लाई करके प्रैक्टिस कर सकते हैं ये 1-2 लाख वाले। और पर्सन के इस पर्सन का टारगेट रखो मंथली 4% 2 से लेके 4% बिजनेस की तरह ट्रेडिंग करो आपको सक्सेस मिलेगा। अगर गैम्बलर बनोगे तो या तो फिर आप ऊपर उठ जाओगे एकदम मतलब 2 लाख का 5 लाख भी बन जाएगा 2 लाख का 0 भी हो जाएगा।
लेकिन वो 2 लाख का 5 बनेगा ना, वो आदत आपकी जाने वाले नहीं है। इसमें पैसा था, वो 5 का वापस 0 होता ही है वो, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। हेलो, वेरी ट्रू। अच्छा एक क्वेश्चन आया था, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो है, डज ही नीड टू डू एवरीथिंग लाइक ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर सेलिंग, फ्यूचर बाइंग, स्टॉक सेलिंग, स्टॉक बाइंग, और शुड ही फोकस, और व्हाई शुड ही स्टे फोकस ऑन वन स्ट्रेटजी? वो देखो ट्रेडर्स की स्किल के ऊपर जाता है वो। अभी मैंने देखो ये ट्विटर पे कुछ ट्रेडर ऐसे हैं कि वो सिर्फ ओनली ऑप्शन सेल करते हैं और कुछ भी हाथ नहीं कर लगाते उसमें, ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना ऑप्शन बाय करते हैं। अगर वो सेलिंग करना है तो सिर्फ सेलिंग ही करते हैं ऑप्शन का। कुछ ट्रेडर ऐसे हैं कि सिर्फ ऑप्शन बाय करते हैं, कुछ ट्रेडर ऐसे हैं कि वो सिर्फ इंट्राडे फ्यूचर करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है हैदराबाद में, वो ओनली सिर्फ इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग करता है और कुछ नहीं करता, ना ऑप्शन बेचता है ना कुछ भी करता है, वो सिर्फ इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग करके वो पैसा बना के निकल जाता है। मतलब सबका स्किल अलग अलग रहता है। मेरा स्किल अगर आप देखोगे तो मैं सेल भी कर सकता हूँ, कभी कभी ऑप्शन बाय भी करता हूँ मैं, जब भी मुझे डायरेक्शन क्लियर होता है। फ्यूचर में जब मुझे ब्रेकआउट स्टॉक में मिलता है मैं फ्यूचर ट्रेड भी कर लेता हूँ। मतलब वो स्किल के ऊपर रहता है कि किसका स्किल अच्छा है उसमें उसको ट्रेड करना चाहिए, दूसरों को देख के ट्राई नहीं करना चाहिए कभी भी। अभी देखो मेरा स्किल मैक्सिमम सेलिंग में है, कभी भी मुझे बाइंग में अपॉर्चुनिटी मिलता है ऑप्शन बाइंग में, मैं पूरे पैसा नहीं लगाता उसमें। अगर मेरे पास 10 लाख कैपिटल है तो ऐसा नहीं कि मैं उसमें 5 लाख लगा दूं या 3 लाख लगा दूं, मैं हार्डली उसमें 2% कैपिटल लगाऊंगा, मतलब 20,000। अगर वो आधा भी हो गया तो मुझे 1% लॉस होगा ऑप्शन बाइंग में। मतलब वो स्किल के ऊपर जाता है। अगर आप प्योर ऑप्शन बायर है, अगर एवरी टाइम ऑप्शन बायर में क्या रहेगा कि आपको डायरेक्शन मिलता है सभी डायरेक्शन में ट्राई करना है, क्योंकि एक डायरेक्शन ऐसा रहता है कि आपको वो 200%, 300%, 400% रिटर्न देकर चला जाता है। और समझ लो कि कोई बंदा एवरी टाइम पे निफ्टी का या फिर निफ्टी का एटीएम स्ट्रैडल बाय करता है ब्रेकआउट देख के, 100-150 पे ऑप्शन बाय करता है, 10 लाख में से 1 लाख कैपिटल दाव पे लगाता है, 150 का स्टॉप लॉस वो 100 पे रखता है, उसका ऐसे 2-3 बार जाएगा स्टॉप लॉस, लेकिन एक बड़ा मूव आ जाएगा ना तो उसको 300-400 पॉइंट देकर चला जाएगा। लेकिन उसको एवरी बार एक ही स्ट्रेटेजी ट्राई करना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में। ऐसा नहीं कि एक बार किया चलो नहीं आया छोड़ दिया, तो अगर जिस दिन वो छोड़ेगा उसी दिन मूव आ जाएगा तो उसको बड़ा अफसोस होता है। तो जिसका स्किल जिसमें रहता है ना उसमें ही ट्रेड करो मैं बोलता हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से आई गॉट अ डायरेक्शन, सो लेट्स से आई गेट अ ब्रेकआउट, तो मुझे फ्यूचर मैंने लेट्स से बुलिश ब्रेकआउट, सो शुड आई बी बाइंग ए फ्यूचर, शुड आई बी बाइंग ए कॉल, और शुड आई बी राइटिंग डीप इन द मनी पुट? अभी देखो आपने बोला डीप इन द मनी पुट राइट करना है, तो बेटर डीप इन द मनी राइट करते हुए बेटर फ्यूचर बाय कर लो। डीप अगर आपको डीप इन द मनी बाय राइट करना है तो बराबर, अगर ऊपर जा रहा है बुलिश व्यू है आप पुट राइट करना चाहते हो डीप इन द मनी, इससे बेटर है कि डायरेक्ट सीधा फ्यूचर बाय कर लो। अगर डीप इन द मनी राइट नहीं करना है तो डीप इन द मनी कॉल बाय कर लो, अगर ऊपर जाने वाला है तो, ये केस कर सकते हो आप। और आपको 100% एब्सोल्यूट प्ले गेन लेना है तो फ्यूचर बाय कर लो सीधा, क्योंकि ना उसमें टाइम वैल्यू कुछ भी नहीं है, जैसे मूव होगा वो आपका पूरा गेन आपको मिलेगा। कॉल में बाय करते हो तो आपको जो टाइम वैल्यू डीप इन द मनी समझ लो कि ये सन फार्मा का समझ लो कि 700 कल 720 पे ब्रेकआउट आया, अगर किसी को 720 के रेट पे फ्यूचर बाय नहीं करना है, इन डीप मनी वाला 700 का कॉल बाय कर लेगा तो क्या उसमें 10 पॉइंट टाइम वैल्यू रह सकता है, तो उसको सिर्फ 10 पॉइंट कम मिलेगा। लेकिन अगर वो 720 से 650 आ गया तो उसका मैक्सिमम लॉस तो सिर्फ उसी दिन तो 0 नहीं वाला होने वाला है, या 20 पॉइंट्स रहेगा या 15 पॉइंट्स रहेगा उसी दिन के लिए। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको अगर वो 10 पॉइंट भी नहीं छोड़ने हैं ना, तो मैं तो बोलता हूँ तो फ्यूचर बाय करो। अगर 10 पॉइंट आप चलो मान लो कि छोड़ दिए तो फिर 700 का कॉल बाय करो। अगर आपको लगता है कि मैंने बाय किया और यहाँ से फ्यूचर ऊपर नहीं गया और सेम ही रेट पे रहा तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो 700 या 690 का पुट बेचो, वो वहां पे रहेगा तो पुट का जो टाइम वैल्यू डिक्रीज होगा वो आपका प्रॉफिट होगा,
और उसमें आपको डर भी नहीं लगेगा कि 720 का फ्यूचर अगर 710 आ गया तो एब्सोल्यूट 10 पॉइंट का लॉस होगा। वो पुट में अगर 690 का आपने सेल किया है तो अगर वो 700 या 690 से 720 के बीच में रहेगा ना धीरे धीरे, तो भी आपको प्रॉफिट देखे जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी कहाँ मिलता है वो आपको देखो जाएगा। और अगर फ्यूचर में कि आपको अनलिमिटेड रिटर्न जितना ऊपर जाएगा उतना मिलेगा, पुट सेल में आपका लिमिटेड प्रॉफिट है, वो आपके अभी सेटिस्फेक्शन के ऊपर जाता है कि आपको कितना चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आई थिंक एक घंटा दो घंटा क्या पूरा दिन हमारे लिए कम पड़ेगा आपके। हाँ हो सकता है। So, but just last question, I think then we wind up and we'll try to do some other day. So, there is a handle called The Gentleman. So, उन्होंने तीन question पूछा back to back. एक तो he was asking कि what strategy do you use for option selling in bull and bear market? So, अगर market consolidates, so we know, right? How you manage the option selling in bull and bear? The second is, which indicator do you use to identify the different phases of any stock? Basically, he just want to know डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर दो। एंड द लास्ट वन इज देयर एनी बुक्स और साइट विच यू रिकमेंड फॉर द रीडर्स नो फॉर दीज टू गो फॉर नॉलेज एक्सचेंज और प्रॉब्ली गेन समथिंग आउट ऑफ इट। हाँ, अभी इनका क्वेश्चन है कि बुल एंड बियर मार्केट में आप कैसे ऑप्शन सेल करते हो। अभी बुल मतलब आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया कि ऊपर ही जा रहा है, तो वो केस में मैं सिर्फ पुट ही सेल करूंगा। अगर समझ लो कि आज के अभी आज कल बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 34,600 पे, समझ लो कि वहां से बुल मार्केट चालू हो गया, बैंक निफ्टी सीधा गैप अप हुआ 500 पॉइंट और विथ हैवी बाइंग मतलब वॉल्यूम बाइंग से ऊपर ही जा रहा है। ये केस में देखो स्किल ट्रेडर रहेगा तो कोई ऑप्शन बाय भी कर लेगा, कोई फ्यूचर भी बाय कर लेगा, और एज ए सेलर अगर उसको प्रोबेबिलिटी उसको 90% उसको ये गैप में पैसा थोड़ा भी लेकिन बनाना या कुछ भी, तो जहां से उसने ब्रेकआउट दिया समझ लो 34,600 से, तो मैं 34,600 का पुट सेल करने का मेरा फुल कैपिटल भी उसमें लगा सकता हूँ, और अगर उसमें मुझे 2% रिटर्न मिल जाता है तो आई एम सेटिस्फाइड, तो मैं वही बेच दूंगा 34,600। समझ लो कि 3500 पे रुका बैंक निफ्टी और दूसरे दिन भी गैप अप हुआ 500 पॉइंट और ऊपर गया, तो जिस प्रीवियस डे में जहां उसने 3500 का क्लोज दिया था 34,600 का पुट अनवाइंड करके मैं 3500 में शिफ्ट हो जाऊंगा और ज्यादा रिटर्न लेने के। मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। सेम आप डाउन साइड में लगा सकते हो सेम केस। अगर समझ लो कि 3500 में मैं शिफ्ट हुआ और तीसरे दिन वो वापस अगर नीचे आया गैप डाउन होकर 35,200 के, वो टाइम पे मुझे रेजिस्टेंस पता चलेगा कि 600 का रेजिस्टेंस बन गया, तो वो टाइम पे मैं 34,600 का 35,600 का इमीडिएटली कॉल सेल करके स्ट्रैंगल बना दूंगा। तो नीचे का आपने बेचे जैसे ऊपर से रेजिस्टेंस आपको पता चल गया कि जब आपको मालूम चल गया कि सर टैग उधर ऑपरेट कर दिया। हां यस, ये पूरा आपके जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना एक्सपीरियंस से आप अपने आप सीख जाओगे कि क्या करना है। नहीं, मैंने देखो मैंने ना कोई ट्रेनिंग लिया है ना कोई बुक्स पढ़ा, मैंने आज तक एक भी बुक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बंदे ने मुझे बताया था कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है ना ये पूरा मेथड्स ऑफ टेप रीडिंग करके एक वीकॉक का बुक है, उसमें पूरा लिखा हुआ है, तुम जैसे ट्रेडिंग स्टाइल करते हो ना सेम ऐसा उसमें लिखा है, उसने बोला था मुझे तब, तो इसलिए मैंने लोगों को बोलता कि ये बुक पढ़ो, क्योंकि वो बुक तो मैंने भी पूरी अभी तक नहीं पढ़ी, सिर्फ उसके दो सेक्शन पढ़े, सेक्शन 10 और 14 है शायद, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो देख के एक बार मैं मेरे ट्विटर पे डाल दूंगा कि ये सेक्शन पढ़ लो। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ नितेश भाई, आपने स्ट्रैडल के बारे में बोला तो काफी लोगों ने स्ट्रैडल का क्वेश्चन डाला था ट्विटर में, सो आई थिंक दैट वी हैव टू आंसर। तो हाउ यू डिसाइड स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, एक्सपायरी के दिन और नॉन एक्सपायरी के दिन आपको कौन सा स्ट्राइक डिसाइड कर मींस सेल करना चाहिए, वो आप कैसा डिसाइड करता है, हाउ यू डिसाइड दैट? देखो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल प्ले करना, अभी ये करंट वीक का मैं देखता हूँ तो देखो 35,100 पे रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी और 34,200 पे सपोर्ट ले रहा है, और अभी बीच में चल रहा है 34,600। ये केस में आप स्ट्रैंगल सेल कर सकते हो क्योंकि वो बीच में ही चल रहा है। वाओ, स्ट्रैंगल इतना सिंपल है क्या? पास में गया 34,500 के पास में गया 35,000,
और वहां पे रेजिस्टेंस भी है 35,100 का। अभी देखो नीचे से ऊपर गया तो मतलब एक बार नीचे का सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो हो सकता है कि एक दो दिन यहाँ पे रुकेगा। ये केस में आप वो टाइम पे रेजिस्टेंस एग्जिट रेजिस्टेंस के या एग्जिट सपोर्ट के पास ट्रेडर प्ले कर सकते हो करना है तो, क्योंकि वहां पे एक दो दिन भी रुकने में से आपको पॉइंट मिल जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया या सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो आपको सिर्फ सिंगल साइड ही जाना है उसके बाद तो। तो जब तक रेजिस्टेंस सपोर्ट पता है प्ले करो, जैसे ही रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर पता चल जाता है एक बार ब्रेकआउट हुआ तो सिंगल साइड करो। मैं जैसे प्ले कर रहा हूँ ना ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। हो सकता है कि दूसरे लोग जो मतलब जो ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है वो ऐसे प्ले भी ना भी करते हो। राइट, ये इतना इजी है कि सर आप जस्ट बोल रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट हम लोग डिसाइड कर दिया उसके ऊपर वाला स्टॉक देख लो ना, ट्रेंड देख लो ना, बैंक निफ्टी का ट्रेंड देख लो ना। एवरी टाइम ऐसा थोड़ी है कि 15,000 से 35 से चालू हुआ तो 5 महीने में 40,000 आ गया क्या, इधर ही घूम रहा है ना। राइट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो चल रहा है अभी। इसमें स्ट्रैडल में क्या कर रहे हैं सर आप, ये तो स्ट्रैंगल हो गया स्ट्रैडल के लिए। स्ट्रैडल में वो अभी बोला ना, मैं अगर 3500 के पास आया तो वहां पे मैं 35,000 का स्ट्रैडल कर दूंगा कॉल एंड पुट दोनों मिलके। अगर उधर ही रुका तो मुझे स्ट्रैडल से प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर डायरेक्शन क्लियर होता है, समझ लो कि अपसाइड का क्लियर हुआ तो मैं कॉल एग्जिट कर लूंगा और सिर्फ पुट में बना रहूंगा। वाओ ग्रेट, लेकिन मैं इंट्राडे प्रीफर नहीं करूंगा स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल प्ले करना। इंट्राडे प्रीफर नहीं करूंगा मैं, पोजिशनली करूंगा मैं, क्योंकि इंट्राडे में डीके उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। अगर मुंह आ गया तो वो, अगर एक दिन में आपने बनाया वो दूसरे दिन मुंह आ गया तो चला जाएगा। इंटरटेन में बेटर है कि आप पोजिशन प्ले करो। यस राइट, मेरा मेबी आई वांट टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन ऑन द साइकोलॉजी पार्ट। सो कभी कभी हम लोग ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, ट्रेडर का लाइफ में एवरी टाइम विनिंग ही नहीं होता है, लॉस भी होता है। अभी सम टाइम इट इज 3-4 days 5 days ऐसा कंटिन्यूसली लूजिंग स्ट्रीक होता है, तो आप उससे बाहर कैसे आता है? नहीं तो कोई एक नया ट्रेडर है उसने स्टार्ट किया, बेचारा कैसा हो गया कि स्टार्टिंग में लॉस में गया, कुछ हुआ 3-4 दिन, तो वो टाइम पे अपना साइकोलॉजी बहुत इफेक्ट करता है। क्या नया ट्रेडर है तो वो तो अभी लर्निंग फेज में है, अगर उसको 3-4 दिन लॉस किया, मैं तो बोलता हूँ अगर पूरा 3 महीना भी लॉस में हुआ ना तो उसको अपनी मिस्टेक से सीखना है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में पूरा पैसा नहीं लगाना है। अगर वो लगा देगा ना खो और लॉस हो गया ना तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा मार्केट में पूरा लगा के आएगा। लेकिन अगर उसका सेविंग 10 लाख का है और वो 25,000 लगा के नया ट्रेडर सीख रहा है, अगर वो 4 बार भी फेल होता है ना अपनी मिस्टेक से वो अगर आइडेंटिफाई करेगा कि मैं दूसरी बार नहीं करूंगा तो वो आगे प्रॉफिटेबल बन सकता है वो बंदा। और मेरी बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि मेरा एक ट्रेड में 1% से ज्यादा मैं रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा, और मेरा मैक्सिमम पोजीशन ऑप्शन राइटिंग में रहता है। ऑप्शन राइटिंग में आपको इतना बड़ा लॉस नहीं आता है, 2% 3% अगर पोजिशनल प्ले करते हो तो। जब बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है तभी आपको लॉस होता है उसमें। अगर मेरा एक बार लॉस हो गया ऐसा मतलब 2% का हुआ, दूसरी बार भी 2% का हुआ, ऐसे 4 बार का तो मेरा कितना कैपिटल जाएगा, 8% जाएगा ना। बाद में तो मैं 8% तो ऑप्शन राइटिंग करके मेरा स्किल जिसमें वो 8% में 1 महीने या फिर 2 महीने में कवर कर सकता हूँ, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा ये केस में, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ टू टेक बैक मनी फ्रॉम द मार्केट अगेन। राइट, अगर आपको पता ही नहीं है तब जाके आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि मैं चार ट्रेड में लॉस हो गया, 5 में लॉस हो गया, मेरा पैसा कैसे वापस आ गया। अगर आपको आप ये सोच कोई भी ट्रेडर अगर ये सोचता है ना कि मेरा पैसा कैसे वापस आता है तो उसको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता है कि तो पैसा कैसे वापस आ गया, तभी जाके वो अपने आपको पैसा पूछता है कि अब पैसे नहीं मेरा कैसे वापस आएंगे। क्योंकि उसको नहीं पता है तभी वो अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि मेरे पैसे कैसे वापस आएंगे। मुझे पता है कि वापस कैसे लेना है कि इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता जब भी अगर मुझे लॉस होता है तो। राइट, गुड गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नरेश भाई, आई थिंक वी हैव अ ह्यूज लॉन्ग लिस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल द पीपल टू हू आई एम नॉट एबल टू एड्रेस। कोई और प्लेटफॉर्म बिकॉज
जिस टाइप के क्वेश्चन है हमें करना ही पड़ेगा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट टू लर्न. एंड थैंक यू सो मच विदेश भाई, आपने जो पॉइंटर्स बोले, आई थिंक ईच एंड एवरी वर्ड्स. एज अ ट्रेडर आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ न्यू बिगिनर. प्रॉब्ली दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कि क्या गलतियां की हैं उन्होंने एंड वॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वाइल यू आर ट्रेडिंग. ऑप्शन ट्रेडर जो एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है. दो पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग ऑप्शन सेलिंग, दे हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ, दे आर ऑलरेडी माइट बी फॉलोइंग यू टू नो हाउ टू डू दैट. Thank you so much, each and everyone. You know, we have, and extremely sorry from our end, we have almost 2-time crash, Twitter crash, right? Still, I can see almost more than 2,500 people are there. And, you know, it shows how popular Mitesh Bhai here. So, thanks, big thanks to you. And Mitesh Bhai, we'll definitely plan because it is the, you know, requirement for most of the minimalistic or the new traders. We'll try to do some events very soon. Okay, sure, we will definitely plan. Thank you very much, all listener. We will come back with another mega session. This and for sure. Thank you. That will not be any webinar or any paid. Okay. Yeah. Absolutely. Definitely.